और देखिए बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मना रही है, राज्यवार आयोजन किए गए हैं। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, सुनिए। वर्ष 1951 में इसके लिए जनसंघ की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। उसका एकमात्र लक्ष्य देश के सामान्य जीवन के लोगों के जीवन को प्रकाशमान करना, उनको आगे बढ़ाना, उनके अंदर कहीं ना कहीं देश की एकता, देश की अखंडता के लिए काम करने का भाव जागृत करना। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने का जो ऐतिहासिक निर्णय देश की आजादी के इतने बड़े कालखंड के बाद लिया गया, वह सोच भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। और जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से अभिन्न अंग बने, इसके लिए उन्होंने उस समय एक नारा बुलंद किया था। हम सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। इन सबको समाप्त करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं इस अवसर पर कि जिसके लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने को खपाने का काम किया, उस काम को उन्होंने पूरा किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में भी उस समय जनसंघ के समय में हमें एक मनीषी प्राप्त हुए, जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत हम सबके सामने रखा। इन्हीं विभूतियों द्वारा भारत की राजनीति में जनसंघ के रूप में जलाया गया दीपक आज गगनदीप की भांति तेजोमय हो रहा है और उसका प्रकाश संपूर्ण भारत के अंदर और संपूर्ण दुनिया के अंदर जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्टी के प्रथम अधिवेशन में कहा था कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज हम उसी